Yeah, good afternoon everyone. Today we are doing videography for class 11 chemistry. The name of the chapter is S block, right? We are starting with this chapter. As you are already aware with SPDF configuration, you know the element in which the last electron enters the S orbital. ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे एलिमेंट जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में होता है उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एस जो सबशेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल है, एज यू नो, वो एकोमोडेट करता है एक या दो इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। इसी वजह से जो दो ही ग्रुप्स हैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, इन एलिमेंट में ग्रुप आ जाता है ग्रुप नंबर 1 या 1A और ग्रुप नंबर 2 यानी कि 2A। आप सभी को पता है ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल कहते हैं और ग्रुप नंबर 2 को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं क्योंकि उनमें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स के, ये कंटेन करते हैं एक या दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में और इनके सारे के सारे जो इनर शेल्स हैं वो फिल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ग्रुप 1 की, उन्हें हम नोबल गैस NS1 और जो ग्रुप 2 की होगी उन्हें नोबल गैस NS2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। N जो है हमारा आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल है और जो हीलियम यानी इनर्ट गैस है, हीलियम आपको पता है उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स है एस ऑर्बिटल में, तो उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये बातें आपको पता ही हैं, ये सब बेसिक बातें हैं। अगर आप और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो 10th क्लास के मेरे वीडियोस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में देख सकते हैं। उसमें मैंने ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इन सबको बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है। पर अभी हम क्विकली, वी आर डूइंग दिस चैप्टर फ्रॉम क्लास 11, तो हम बात करेंगे सिर्फ एस ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स की। अब बात करेंगे कि ये अकर कैसे करते हैं और इनकी अबंडेंस की बात करेंगे। आपको पता है ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो फ्री स्टेट में अकर नहीं करते, बट दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन द कंबाइंड स्टेट। एल्कली मेटल्स की बात करें तो वो हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स, बोरेट्स, नाइट्रेट की फॉर्म में अकर करते हैं। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो वो मेनली अकर करते हैं सिलिकेट्स, कार्बोनेट, सल्फेट और फॉस्फेट्स के रूप में। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर भी वो इकट्ठे अकर नहीं करते हैं क्योंकि आयन जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। जैसे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल वो अकर नहीं करती है एक्सेप्ट डोलोमाइट, जो कि एक डबल कार्बोनेट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। इसका फॉर्मूला MgCO3.CaCO3। जबकि कुछ डबल सॉल्ट्स जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के होते हैं, जैसे कि कैरनलाइट जिसका फॉर्मूला है KClMgCl2.6H2O, वो भी अकर करते हैं नेचर में। अगर हम बात करें कुछ एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो अबंडेंटली नेचर में अकर करते हैं, जैसे कि कैल्शियम 5th नंबर पर है, मैग्नीशियम 6, सोडियम 7, पोटेशियम 8 नंबर पर है अकरेंस के बारे में, काफी अबंडेंट है बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट। सोडियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो वो रिलेटिवली प्रेजेंट है काफी लार्ज अमाउंट में सी वाटर में, आपको पता ही है। ब्राइन वेल्स, NaCl और H2O के मिक्सचर को कहते हैं ब्राइन, ठीक है ना। और कुछ सॉल्ट लेक में कैल्शियम और पोटेशियम जो है वो भी सी वाटर में अकर करते हैं, पर स्मॉलर एक्सटेंट में ही अकर करते हैं। ये बात काफी इंटरेस्टिंग है नोट करने में कि सोडियम और पोटेशियम लगभग अबंडेंट है, अबंडेंट मतलब कम मात्रा में मिल रहे हैं। जैसे 2.83% सोडियम है और 2.59%, आप इसे ऐसे मत समझिए कम मात्रा में, ऐसे समझिए कि ये थोड़े इजीली अवेलेबल हो रहे, ठीक है ना। इसे
कंटेंट की टर्म में मत समझिए, ऐसे इनकी अवेलेबिलिटी की टर्म में समझिए। 2.83% सोडियम है और 2.59% पोटेशियम है अर्थ क्रस्ट में। फिर भी सी वाटर जो है वो 2.8% ही NaCl कंटेन करता है और जबकि सिर्फ 0.8% KCl है। इसका रीजन ये है कि जितना ज्यादा पोटेशियम ग्राउंड वाटर की फॉर्म में होगा डिसॉल्व मिनरल से, तो वो टेकन अप लिया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, जबकि सोडियम आयन जो है वो सी वाटर में जाता है। रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो काफी कम अबंडेंट होते हैं, जैसे कि रूबीडियम वो 23rd है, सीशियम वो 46 नंबर पर है अबंडेंस के मामले में, अवेलेबिलिटी के मामले में, और बेरिलियम जो है वो 51st नंबर पर है अगर हम अर्थ क्रस्ट से मिलने की बात करें तो, ठीक है। जबकि फ्रेंशियम जो है जो कि एल्कली मेटल है, और रेडियम जो है वो एक्सट्रीमली स्केयर है, कम मात्रा में मिलते हैं और रेडियो एक्टिव भी है। रेडियम को पेरे और मैरीक्यूरी ने प्रोसेस किया था, बहुत सारे टन्स ऑफ यूरेनियम जो है पिच ब्लेंड किया था, और रेडियोथेरेपी जो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होती है जिसमें कोबाल्ट 60 यूज होता है उसमें काम किया था, और मैरीक्यूरी को इसी के लिए नोबेल मिला था, फर्स्ट लेडी थी टू गॉट द नोबेल। द एलिमेंट फ्रेंशियम वॉज डिस्कवर्ड लेटर इन 1939 बाय पेरे एट द क्यूरी इंस्टीट्यूट पेरिस। उन्होंने एक्टिनियम का रेडियो एक्टिव डिके किया था, एक्टिनियम जिसका एटमिक नंबर 89, एटमिक मास है 227, तो मिला था फ्रेंशियम और हीलियम। सबसे लॉन्गेस्ट लिव आइसोटोप फ्रेंशियम 223, उसका जो हाफ पीरियड है वो सिर्फ 21 मिनट का है, ये कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है। मतलब कोई भी, मतलब अगर इसका हम 1 केजी लेंगे तो 21 मिनट में वो 500 ग्राम रह जाएगा, तो इस वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब हम डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एनोमलस, एनोमलस मतलब डिफरेंट बिहेवियर की बात करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप का डिफरेंट बिहेवियर वो क्या शो करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का वो डिफर करता है बाकी सबसे। इसका हिंट है हरी लीची नाखा रब कोसे का, फिर वैसे तो हाइड्रोजन है इसमें, क्योंकि हर फर्स्ट एलिमेंट जो है लगभग इन ग्रुप में उनका स्मॉल एटमिक और आयनिक रेडियाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई पोलराइजिंग पावर है इसके कटायन की, एब्सेंस है डी इलेक्ट्रॉन का इसके वैलेंस शेल में, तभी लिथियम जो है डिफर करता है बाकी के एल्केली मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीशियम से, पर ये डिफर कर जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम और बेरियम से। इसका हिंट मैंने बना रखा है, बियर महंगी कर सरकार बड़ा रोई, बेरिलियम मैग्नीशियम कर से कैल्शियम सरकार से स्ट्रॉन्शियम और रोई से रेडियम बड़ा से बेरियम, राइट। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो मेरे 10th क्लास के वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के। ये ईयर है 2022, इस साल तो 10th क्लास से ये वाला चैप्टर ही हट गया, तो खासकर जो बच्चे 10th में है जो इस साल ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, अगले साल अगर वो साइंस लेंगे तो उनको काफी दिक्कत आएगी, उन्हें शुरू से पढ़ना पड़ेगा सब कुछ बेसिक। अब बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप की, आप ये डायग्राम बना के देख सकते हैं, सेकंड पीरियड के लिबिप और सी और थर्ड पीरियड के नामागल सी, ये चार एलिमेंट आ गए हैं। क्रॉस में ध्यान दीजिए, कई एलिमेंट जो होते हैं सर्टेन ग्रुप्स के, कई एलिमेंट जो सर्टेन ग्रुप्स में प्रेजेंट है, राइट, वो अपने साथ वाले पीरियड के साथ एक रिलेशनशिप शो करते हैं, इसी रिलेशनशिप को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब ग्रुप नंबर 1 का लिथियम और ग्रुप नंबर 2 का मैग्नीशियम, ऐसे ही ग्रुप नंबर 2 के बाद 13 लिया बीच में, आपको पता ही है, ठीक है ना, वो छोड़ दिया उन्हें, ग्रुप नंबर 2 के साथ 13 बेरिलियम और एल्यूमिनियम, और ऐसे ही बोरोन और सिलिकन, ये एक रिलेशनशिप शो करते हैं। ये यूजली वीकर होते हैं देन सिमिलैरिटीज विद इन अ ग्रुप, पर काफी ज्यादा प्रोनाउंस किए जाते हैं फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट में, ठीक है क्लास। तो इस रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। लिथियम रिजेंबल करता है मैग्नीशियम के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, बेरिलियम करता है एल्यूमिनियम के साथ, और बोरॉन करता है सिलिकन के साथ। थर्ड में चेक करिए,
ध्यान दीजिए, आपको ये बातें नोट करनी है कि सिमिलैरिटीज जो हैं काफी ज्यादा वीकर हैं, और जो विद इन द ग्रुप सिमिलैरिटीज मिलती हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, अगर हम मेन रीजन के बात करें डायगनल रिलेशनशिप का, तो सिमिलैरिटी आएगी उनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर में। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब आपको पता ही है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, इसी करेक्टर को इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कहते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, उसको इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर कहते हैं। आपको ये बात पता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ेगी किसी भी पीरियड में बढ़ती है जब लेफ्ट टू राइट जाते हो अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि लेफ्ट में मेटल है राइट में नॉन मेटल है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाओगे तो कम होती है, क्योंकि ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फरारी गैन बीट इंडिका एस्टोनिशिंगली। फ्लोरीन से नीचे जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जबकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर उल्टा है, अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे अक्रॉस अ पीरियड तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कम होगा। और फ्रेंशियम सबसे ज्यादा मेटलिक भी है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है ग्रुप नंबर 1 में और पूरे पीरियोडिक टेबल में। टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखना है। ये सब मैंने आपको 10th क्लास में ही बता रखा। एटमिक रेडियस की बात करें तो आपको पता है एटमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, एटमिक रेडियस डिक्रीज होती है पीरियड के अक्रॉस, पर ग्रुप के अक्रॉस इंक्रीज होती है, क्योंकि पीरियड में सेम ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो न्यूक्लियर इंटरैक्शन बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा हो जाता है। और अगर आप ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, एक एक शेल इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से एटमिक साइज भी बढ़ता जाता है। पोलराइजिंग पावर की बात करें तो पोलराइजिंग पावर में भी काफी सिमिलैरिटी है। अगर आप अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो जो चार्ज होगा आयन का इंक्रीज करेगा और जो साइज होगा डिक्रीज करेगा, तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर ग्रुप में जाएंगे तो जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी। तो अगर आप डायगनली मूव करेंगे तो वो दोनों ट्रेंड कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। तो क्लास अब हम डिटेल में बात करेंगे अल्कली मेटल्स की। जैसा कि मैंने इसका हिंट भी बना रखा है, हाइड्रोजन को तो हटा लो, उसके बाकी वाले ले लो, लीची नाखा रब कोसेगा, फिर लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीशियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये वर्टिकली हमारे प्रेजेंट है। जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं, तो इस वजह से वो फ्री स्टेट में आकर नहीं करते, पर वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कंबाइंड स्टेट में, हैलाइड की स्टेट में, ऑक्साइड की स्टेट में, सिलिकेट्स में, बोरेट्स में और नाइट्रेट्स में। लिथियम की बात करूं तो वो 35th सबसे ज्यादा मतलब मिलने वाला अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, और वो मेनली अकर करता है सिलिकेट मिनरल की फॉर्म में। ये देखिए लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट लेपिडोलाइट Li2Al2SiO3, तो जितना आप कंफर्टेबल हो दो चार नेम लर्न कर लेना इसमें। पोटेशियम की बात करें तो वो सिल्वाइट यानी कि KCl पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में अकर करता है, क्योंकि वो KCl और NaCl इनका डबल सॉल्ट का मिक्सचर होता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उनमें वो एस ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड द नोबल गैस कोर होता है। ठीक है, तो क्लास ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, आपको पता ही है, मैं आपको इस टेबल से समझाना चाहूंगा। देखो 9th 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अलग तरीका होता है, मैंने 11th में पहले भी बताया अलग तरीका होता है, एक टेबल होता है जिससे ऐसे लिखते हैं, जैसे लीडियम है पहले एस ऑर्बिटल भरते हैं, फिर यू नो 2s वाला भरते हैं, पहले 1s फिर 2s फिर p, इस तरीके से भरते हैं। जैसे लीडियम नंबर 3 है 1s2 2s1, सोडियम 11 नंबर है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आप इससे समझिए, पोटेशियम से सबसे इजीली है, हमेशा पहले 1s2 भरना है, दो भर गए एस के, एस में दो होते हैं, पी में 6 हैं, डी में 10 और एफ में 14, याद रखना।
1s2, 2s2, 2p6, 2, 2, 4, 6, 10, फिर 3s2, 12, और 6, 18, 3p6, और फिर उसके बाद 4s1, समझ आया? तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF की टर्म में लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो सबसे पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये तो एक टेबल दिया हुआ है, जितने भी अल्कली मेटल हैं उनका एटमिक नंबर, एटमिक मास, मेटलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब कंपेयर कर रखी है, राइट? अब वन बाय वन बात करेंगे इन प्रॉपर्टीज की। जो एटमिक रेडियस होती है अल्कली मेटल की, वो लार्जेस्ट होती है इनर्ट गैसेस के बाद इनके रिस्पेक्टिव पीरियड में, क्योंकि हम लिथियम से सीशियम तक जा रहे हैं। और वैसे भी देखो ना, आपको पता है टॉप टू बॉटम ये सारे ग्रुप के मेंबर है, लीची नाखा रबकोसे का, फिर दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। तो एटमिक रेडियस देखो 152, 186, एक एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जा रहा है, इस वजह से एटमिक रेडियस क्या है वो इंक्रीज होती जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसके बाद आगे बात करते हैं क्लास, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये देखिए, तो एटमिक रेडियस तो हमें क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम लार्ज स्केल रेड, लार्ज आयनिक रेडियस की। जो आयनिक रेडियस है कटायन की, वो तब फॉर्म होती है जब वो स्मॉलर होते हैं साइज में देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स। तो जो एटमिक रेडियस या आयनिक रेडियस है वो अपने पीरियड में तो लार्जेस्ट होगी। एटमिक रेडियस की तरह आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी अगर आप टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। जैसा कि ये सारे एल्कली मेटल की ही हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप की ही बात कर रहे हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो हैं वो काफी लो होती हैं एज कंपेयर टू द एलिमेंट इन अदर ग्रुप्स। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं एल्कली मेटल की, वो भी क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी जब आप टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एस इलेक्ट्रॉन्स है उसे रिमूव करना होता है और वो लगातार दूर होता जाता है न्यूक्लियस से। हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो एल्कली मेटल की वो डिक्रीज करती हैं विद द इंक्रीज इन द आयनिक रेडियस। ऑक्सीडेशन स्टेट यूनिपॉजिटिव, क्योंकि ये सब यूनिपॉजिटिव है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एल्कली मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करते हैं अपने कंपाउंड्स में और स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और लिथियम से सीशियम तक इनका मेनली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ही वेरी करता है। मेटलिक करेक्टर तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, टॉप टू बॉटम अगर जाओगे ग्रुप नंबर वन में तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट? अधिकतर जो एलिमेंट है इस ग्रुप के वो टिपिकल मेटल्स हैं, सॉफ्ट हैं और मेलेबल हैं, डक्टाइल सॉलिड हैं, इतने हैं। कई सोडियम पोटेशियम तो ऐसे, उन्हें आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, और आगे अगर इन्हें फ्रेशली कट किया जाए तो वो सिल्वरी वाइट होते हैं और एयर के एक्सपोजर में वो डल हो जाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं और वो डिक्रीज करते हैं जैसे कि इनके एटमिक नंबर में इंक्रीज होता है। नेचर की बात करें बॉन्ड फॉर्म की, तो अधिकतर इलेक्ट्रोवैलेंट ही बनाते हैं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इनके पास लूज करने को है। डेंसिटी की बात करें तो ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी भी लो होगी क्योंकि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली लो होगी। कलर की बात करें कि किस कलर की ये फ्लेम देते हैं, तो देखिए लिथियम अगर 670.8 लैम्डा पर नैनोमीटर पे क्रिम्सन, सोडियम येलो, पोटेशियम पेल वॉयलेट, रूबीडियम रेड वॉयलेट और सीशियम जो है वो ब्लू फ्लेम देता है। तो यही सब जो मेन पॉइंट है आपको लर्न करने हैं। और लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, तो जितने भी अल्कली मेटल हैं वो एग्जिबिट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है इजेक्शन का या एमिशन का, जो मेटल सर्फेसेस जैसे कि EMI वो स्ट्राइक करते हैं, उसके अगेंस्ट किस स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो क्लास ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। थैंक यू।